हेलो माय फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल गार्डनिंग एट होम में। दोस्तों चलिए आज मैं आपको बताऊंगा एक खूबसूरत प्लांट सुकुलेंट के बारे में। इसे रॉक लोटस भी बोलते हैं। ये बहुत खूबसूरत प्लांट होता है दोस्तों, बिल्कुल कमल के फूल जैसा लगता है, इसीलिए इसे रॉक लोटस बोलते हैं, क्योंकि ये पत्थरों में होता है और कमल के फूल जैसा लगता है। ये मैं अपनी सिस्टर के यहाँ से एक लेकर आया था और इसे मैंने जो लगाया है वैसे पत्थरों में थोड़ा सा रेड डालकर लगाया है। मैं जब सिस्टर के यहाँ से लाया था तो इसका कलर रेड था, यानी ये मिट्टी में लगा हुआ था और इसे पानी ज़्यादा मिल रहा था, वहाँ पर ये कलर चेंज करके रेड हो गया था। लेकिन अब मैंने इसे बिल्कुल इसके नेचुरल जो हैबिटेट होता है उसमें लगाया है तो इसका कलर वापस ग्रीन हो गया है जैसा होना चाहिए। देखिए दोस्तों, मैंने जो लगाया है इसे बिल्कुल पत्थर हैं और इनमें थोड़ा थोड़ा सा रेत, आप देख सकते हैं थोड़ा सा रेत है इनमें। आपको ऐसे ही मीडियम में इसे लगाना है। लेकिन मेरे पास एक समस्या और थी कि मैं सिर्फ ये एक प्लांट लाया था और मुझे ज़्यादा प्लांट चाहिए थे, तो मैंने इसे मल्टीपल किया। इसका तरीका बहुत आसान है। अगर आप इससे एक प्लांट से ज़्यादा प्लांट बनाना चाहते हैं, आप एक लीफ लीजिए इसकी और इसे तोड़ दीजिए। ये सूख रही है, मैं सूखी हुई लीफ को तोड़ देता हूँ। इसे आप तोड़ दीजिए, ये तोड़कर आप अलग करके इधर ही डाल दीजिए। 10 से 15 दिन बाद इस लीव से एक छोटा सा प्लांट निकल आएगा, देख रहे होंगे आप जड़ें। इसे कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, ये जड़ें खुद ब खुद इन पत्थरों से होते हुए अंदर थोड़ा बहुत जो रेत है उसमें चली जाएंगी और ये प्लांट जो कि बहुत ही खूबसूरत है, आप खुद नज़र आ रहा होगा, एक और सकुलेंट में बदल जाएगा। हमारे सुकुलेंट आप लगाइए और इसे खूबसूरत गमलों में लगाइए। आप इसे इंडोर में भी रख सकते हैं, थोड़ा धूप देनी होगी इसे बीच बीच में आपको। और ये देखिए यहाँ पर निकल रहा है। मैंने 5 पत्ते तोड़कर डाले थे लेकिन मेरे बेटे ने कुछ पत्ते गायब कर दिए, लेकिन जो बचे हुए हैं उनमें से प्लांट निकल आए। देखिए कितनी खूबसूरत जड़ें निकल गई हैं इसमें से। तो दोस्तों आपने देखा कि इसे कितना आसान है लगाना और इसे मल्टीपल करना। आप भी एक सुकुलेंट का प्लांट लाके उससे बहुत से सुकुलेंट के प्लांट बना सकते हैं। सोइल के लिए कुछ नहीं करना है आपने, जस्ट थोड़े से पत्थर और थोड़ा सा उसमें रेत मिला देना है और उसमें इसे आपने रखकर थोड़े से पत्थर ऊपर डाल देने हैं। रेत नीचे में है ही थोड़ा सा, वो रेत तो पत्थरों से रिसकर नीचे जाएगा तो उसमें हो जाएगा। आदि ने पड़े रहन दीजिए, खुद ही जड़े छोड़कर अंदर में चले जाएंगे। इनको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, इन्हें हल्का सा भी जगह मिलेगी होल सा कहीं पर, ये उससे अपनी जड़ें अंदर ले जाएंगे और यहीं पर नए प्लांट इसमें उग जाएंगे। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा कि आप किस तरीके से सुकुलेंट के प्लांट को मल्टीपल कर सकते हैं। आपने कुछ नहीं करना, एक पत्ता तोड़ना है, अलग करना है और 15 दिन बाद आपका एक सुकुलेंट का छोटा सा प्लांट तैयार है। सुकुलेंट का मतलब होता है रस भरा। वो इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसके पत्ते ऐसे लगते हैं जैसे कि इनमें रस भरा हुआ हो। इसमें बहुत सारी वैरायटी आती हैं सुकुलेंट में, तरह तरह के सुकुलेंट आते हैं, लेकिन मुझे ये लोटस सुकुलेंट ही सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है क्योंकि ये कमल के फूल जैसा होता है और मुझे कमल का फूल बहुत पसंद है। तो दोस्तों आप नर्सरी जाएँ और वहाँ से आप चूज़ करें किस तरह का आपको सुकुलेंट चाहिए। कई तरह के सुकुलेंट आपको मिल जाएंगे, छोटी छोटी नर्सरियों में भी मिल जाते हैं। और फिर उसे आप एक ही प्लांट लें, उसे आप मल्टीपल कर लें इस तरीके से जैसे मैंने इसे कर लिया है। मेरे पास 3 प्लांट तैयार हो गए हैं और अभी एक पत्ता और मैंने आपको दिखाने के लिए तोड़ दिया है, तो चौथा प्लांट भी तैयार हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। मेरा वीडियो देखने के लिए शुक्रिया दोस्तों, मैं आपके लिए और वीडियो लेकर आता रहूँगा। धन्यवाद।